बुद्धिमान व्यक्ति के गुण। आचार्य चाणक्य एक लोकप्रिय विद्वान, महाकूटनीतिज्ञ और कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर दुनिया भर में जाने जाते हैं। चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य के अनुभवों का ही संग्रह है, जिसमें ऐसी बातों व नीतियों का जिक्र किया है जो कि मनुष्य को अपने जीवन में जरूर अपनानी चाहिए। आइए जानते हैं इन गुणों के बारे में। पहला, आचार्य चाणक्य का कहना है कि जो व्यक्ति मुश्किल समय में भी खुद पर संयम रखता है वह बुद्धिमान कहलाता है, क्योंकि संकट के समय जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको पछताने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसलिए संकट आने पर अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करें और खुद पर संयम रखते हुए मुश्किल से निकलने पर विचार करें। दूसरा, चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को गलत कार्यों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और गलत कार्यों से दूर रहता है वह बुद्धिमान कहलाता है। इसलिए व्यक्ति को गलत कार्यों व विवादों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तीसरा, जो व्यक्ति अपने भविष्य से जुड़ी योजनाओं को गुप्त रखता है वही बुद्धिमान होता है, क्योंकि कार्य होने से पहले उसकी योजना को उजागर कर देने से कार्य में रुकावटें आने का खतरा बना रहता है। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को हमेशा अपनी प्लानिंग गुप्त रखनी चाहिए। चौथा, एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो हर वक्त अपने लक्ष्य को पाने के लिए कार्य करता है और किसी भी बाधा को बिना घबराए पार करने की क्षमता रखता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय, मौसम या स्थिति नहीं देखता, उसे सफलता हासिल करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। पांचवा, आचार्य चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति को हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति बुद्धि व संयम से कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति ही बुद्धिमान कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।